अरे ऋत्विक, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो तुम? तुमने पलक को थैंक्स बोला? क्यों? For saving your life. I'm sorry, isn't that her job? उसका काम है. Papa, you are the best. Love you. My angels. तुमने तो वहाँ बोला था कि तुम सिंगल हो. ये मेरे लिव इन बच्चे हैं. जब बड़ी हो जाओगे ना, ऐसी चिपकू टाइप की मत बनना. लड़के है ना, इरिटेट हो जाते हैं. आपके जैसे भी कोई बनना नहीं चाहिए, बच्चे इरिटेट हो जाते हैं. सोच रहा था कि कल किसी तरह बच्चों को बता के यहाँ से चला जाऊं. सबको जरूरत है तुम्हारी. अबे क्या हुआ, क्या हुआ? हेलो, कहाँ भाग? वो चिपकली. पागल है क्या? अबे नकली छिपकली है यार. जिया दिया ने तुझे परेशान करने के लिए रखी थी. अबे छिपकली से डरता पागल है क्या? रिकी, रिकी, अबे मेरे को जिम दिखाई से. अबे उसने मेरे को जिम दिखाई. मुझे लगी ना, अबे तुझे कुछ हुआ? इतने शोर क्यों मचा रही है? अरे हट जाओ, क्या बात? अबे मुझे ऊपर आना. अरे अबे कहाँ छिपकली? केरी इसमें हाथ मत लगाना. अरे पीछे चले गए यार. अब वो छुप गई वो. अरे छुप, मतलब क्या? मतलब छिपकली है ना, डायनासोर नहीं है ना. एक मिनट डॉक्टर, मैंने वो छिपकली को हाथ लगाया था, मैं मर तो नहीं जाऊंगा ना. जस्ट सैनिटाइज योर हैंड्स. मैं जय को भेज रही हूँ, निकाल देगा इसको. जय सैनिटाइजर निकाल. जय वो कुत्ती को. हां वो जा रहा है. लिसन, यू हैव टू गेट ओवर योर हाइपोफोबिया. मुझे भी तो हाइपोकॉन्ड्रिया था. ठीक हो गया ना? तुम्हें हाइपोकॉन्ड्रिया था? वो पहले था. पलक. हाँ, वो पानी ना. श्योर. थैंक्स कसौली के लिए. ये रहो, तुमने अगर मुझे बचाया नहीं होता तो मैं तो फिर वापस चला गया होता. कोमा में. सो जस्ट दैट यू आर क्वाइट कमिटेड एज अ फिजियो, एज अ डॉक्टर. इट्स नाइस. सो वेल डन. सुनो, कैफे चलोगी तुम मेरे साथ? हाँ? मेरे साथ नहीं, मेरा मतलब है कि वो सब जा रहे हैं. शनाया, उसकी उसका टू बी. We could get you a plus one, you know, plus one ला सकती हो तुम. विक्रांत. Of course, विक्रांत. वैसे शनाया ने भी इनवाइट किया है उसे, तो शायद वो आएगा. शनाया ने उसको बुलाया तो तुम आ जाना एक साथ. मैं नहीं, वो अभी डिसाइड नहीं किया. अमन देखेंगे. नहीं किया? कब करोगी? नहीं मतलब सब कुछ डिसाइड कर ले तो ये भी कर ही लेती. क्या हम पहले कभी मिले? क्यों, कुछ याद आ रहा है तुम्हें? बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है. ऐसे लगता है कि पहले से जानता हूं तुम्हें. हम पहले मिले थे, फ्रेंड्स थे, जानते थे कुछ. जब तुम कोमा में थे तो मैं तुम्हारी फिजियो थी ना. हो सकता है सबकॉन्शियसली मेमोरी में कुछ. मेक सेंस. वो मुझे कुछ याद आया. मैं आती हूँ. एनी अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में हमेशा मुझे बता देती थी. इस बार कुछ गड़बड़ है. एनी तेरी बहन है ना? हाँ. तुझे नहीं मालूम कि वो किसको डेट कर रही है? मैं हूँ वो लड़का, मुझे डेट कर रही है. तेरी बहन जैसी है ना वो, तू हेल्प नहीं करेगा? फाइंड आउट हु शी इज डेटिंग, उसके फ्यूचर का सवाल है. नहीं, व्हाट आई थिंक, यू नो, मुझे लगता है कोई रियल सड़ू टाइप्स होगा, इसीलिए अनन्या छुपा रही है. आई थिंक शी इज इनटू वुमेन. मुझे तो लगता है कोई स्टंट टाइप का लड़का, और शायद ना उम्र में उससे छोटा, इसीलिए छुपा रही. अच्छा वैसे, हाँ? आप और शिवम सबको बता क्यों नहीं देते? व्हाई हाइड? बहन एक टाइम पे ना एक ही मैच मेकिंग कर सकती हूँ, तो नहीं कर सकती. बता दूंगी जब टाइम आएगा. वैसे ना यहाँ आके आप सबने मुझे और नर्वस कर दिया. अकेले मिलने देते, सब जासूसी करने क्यों आ गए? टिपिकल नून्स.
मेरे पास ना एक आइडिया है, मेरे बदले में ना किसी और को ही भेज देते। प्लीज प्लीज प्लीज, कितनी स्मार्ट है तू। लेकिन उसने तेरी पिक्चर देख ली, उसका क्या करे? क्यों उसके पीछे पड़ी है? छोड़ दे इसको और अपनी बता, FBI लगाऊं क्या तेरे पीछे? लगता है इस बार छूटा है कुछ। एक मिनट, रोहित तो यहीं पे है, तू तो कह रही थी नहीं आएगा। बोल बोल। पता नहीं आजकल वो कुछ भी कहता है। सुनो 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 सुनो, आ गया वो लड़का, आ गया वो, चलो गाइस जल्दी जाओ जाओ। ऑल द बेस्ट। अरे तू यहाँ बैठे, बाय बाय बाय, मैं फोन करता हूँ। विक्रांत नहीं है वो? थोड़ा कडली वडली टाइप्स है ना, थोड़ा सा नर्डी नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है लड़का, सिंसियर होगा घर में भी और नौकरी में भी। तुम्हें लगता है इसे पता होगा बच्चे कैसे होते हैं? Never judge the book by its cover. मुझे नहीं, एक आर्थिक थोड़ा पकाऊ टाइप्स लग रहा है, ये हमारे नून फैमिली लाइक नहीं है। You know what? तुम लोग घर पे भी सब एक हो, ऑफिस में भी एक हो, you know, we need some variety. कोई तो नून के बाहर हो। Right. जैसे तुम। You look different. In a good way. वैसे you look the same, like in your profile. I hope. In a good way. Okay. तू कहाँ जा रहा है? अच्छा चाय कॉफी या कुछ खाने के लिए? Shanaya, what's up? After such a long time, yeah. Hi. Give it to me. Dating shooting? कार्तिक, ये है बिट्टू सिंह। बिट्टू? बिट्टू सिंह, meet कार्तिक। Hello बिट्टू जी। Hello. आप तो बहुत ही स्टूडियस टाइप के लग रहे हैं। वैसे कार्तिक IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और तुम वैसे कहाँ तक पढ़े हो? अरे ये सब तो किताबी पढ़ाई है। यू नो हमारी शनाया कितनी टैलेंटेड है, सिंगिंग, डांसिंग और पता नहीं कितने टैलेंट है इसके अंदर। अरे यू नो हाउ टू सिंग? मैं तो जी गाना, मैं गा नहीं पाता। अरे कम ऑन यार, कम ऑन, फॉर शनाया यू हैव टू सिंग, लेट्स गो। बिट्टू जी, बिट्टू शनाया जी, बाद में मिलेंगे बिट्टू, मैं गाना गा नहीं पाता। भाई ये क्या कर रहा है? ओ भाई मैं बता रहा हूँ, ये है ना, इसे भगा देगा लड़के को। कम ऑन यू पुसी, थोड़ा सा रैगिंग करना है, करना तो क्यूट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मेरा दोस्त कार्तिक, उस खूबसूरत सी लड़की के लिए गाना गाने वाला है। नो शिवम। ए भाई क्या कर रहे तू? शिवम यू हैव नो राइट टू एम्बैरस हिम लाइक दैट। और भैया आप लोग क्यों आए हो यहां? दिस इज जस्ट नॉट डन। शिवम यार, जस्ट नाइस राइट, तुझे ऐसे गाना वाना नहीं गाना चाहिए था, तुझे डांस करवाना चाहिए था। व्हाट? यू आर राइट। नो शिवम, अभी डांस करवाने जाएगा उसको। हाय सॉरी आई एम लेट, कुछ मिस तो नहीं किया मैंने? मिस बिल्कुल नहीं, फिनाले के बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं आप। ये क्या माइक पे प्रपोज करने वाला है? नहीं, गाना गाने वाला है। व्हाट? मैंने तो कभी आज तक बाथरूम में भी गाने नहीं गाया जी, आज कोशिश करना चाहता हूँ फॉर समवन स्पेशल। शनाया जी ये आपके लिए। वो जी वो कहते हैं कि जोड़ियाँ जी ऊपर से बनकर आती हैं, कितनी अजीब बात है ना जी कि कैसे दो अजनबियों के बीच इतना गहरा कनेक्शन हो जाता है। मुझे नहीं पता कि मैं शनाया जी को कितना अंडरस्टैंड करूँगा, पर जी इतना पता है कि अगर जी दोस्ती अच्छी हो गई तो बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाएगी। जस्ट एक्सक्यूज मी। आपके फेवरेट फ्लावर है ना जी? हाँ बट इसके तो सीजन नहीं है। तो सीजन यहाँ नहीं है ना शनाया जी, पर जहाँ है वहाँ से लेकर आया। मंजूर है। राइट
तो शादी इसलिए की थी? नहीं, लेकिन एक शादी में ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है सेतु। बड़ी मेहरबानी है आपकी कि आपने शादी के बावजूद कहीं बाहर मुंह नहीं मारा। Stop it. एक सेकंड, तू मेरा ही फोन ले लो ना। Just call है ना, she must be waiting for you right now. कहीं इस कैफे में तो नहीं है वो? You know, I'm done. Seriously? Hi, Rohit. क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच में? Hello? Nothing. You guys just have fun. सेतु। सेतु भाभी। रोहित और सेतु के बीच में इतनी प्रॉब्लम थी और हमें कोई आइडिया ही नहीं था। मैंने सेतु से बात भी करने की कोशिश की। She's just avoiding me. पता नहीं क्या हो गया यार इन दोनों को। इतने रोमांटिक कपल हुआ करते थे। कैन यू इमेजिन, मेरी लाइफ सही चल रही है और उनकी खराब हो गई। यू गाइज आर परफेक्ट, इट गिव्स मी फेथ। तुम और विक्रांत भी तो। शनाया कितनी खुश थी ना आज। जस्ट वांट द बेस्ट फॉर हर एंड आई वांट द बेस्ट फॉर यू। पलक, मुझे नहीं लगता तुम्हें अब और वेट करनी चाहिए। मान लो रिकी भाई एक पल के लिए उनको सब याद आ गया, ठीक है, बट तुम्हें लगता है कि तुम और रिकी भाई वापस वैसे हो पाओगे जैसे थे? हाँ, रिकी भाई विल हैव टू बी मैच्योर अबाउट इट। उनको ये समझना पड़ेगा कि जब वो कोमा में थे थिंग्स चेंज्ड, सब बदल गया। एनीवेज, मेरी कल बोर्ड मीटिंग है, मुझे आ रही है नींद, तो आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। ओके, चल, गुड नाइट। बदल तो बहुत कुछ गया है, पर उस वक्त की यादें नहीं बदल सकती जो मैंने ऋत्विक के साथ क्रिएट की हैं। एक एक लम्हा आज भी मेरी आंखों के सामने आईने की तरह है। ऋत्विक की यादें मेरी जीने का सहारा है। इट मस्ट बी वन ऑफ दो सेवन स्टेजेस ऑफ लव। सेवन स्टेजेस ऑफ लव। Twirl and वो seven stages of love क्या है? तुम सच में जानना चाहते हो? Not really, just curious. तो पहला दिलकशी। दिलकशी? Attraction। दूसरा उन्स। Attachment. Tisra. Mohabbat. That I know. I know. Akidat. Nahi pata. Trust. Fifth. Ibadat. Nahi pata. Worship. Aha. Sixth. Chuno. Passion. And last. Mat. तुम्हें सिर्फ मौत याद है? सिर्फ? इतनी अच्छी मेमोरीज, इतनी अच्छी यादें, और तुम्हें सिर्फ मौत याद है? गोल्ड डिगर याद है? कौन सी मेमोरी? क्या याद होना चाहिए मुझे? प्लीज प्लीज मुझे बताओ। कुछ नहीं रख, प्लीज। कुछ है जो तुम्हें मालूम है जो तुम नहीं बता रहे हो? नहीं। अगर कुछ याद रखने लायक होता तो तुम्हें याद होता ना। पलक, अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, you have to tell me. पलक, please. मुझे कुछ याद नहीं है। क्या है? Just tell me. कुछ नहीं। Good night. What do you mean, कुछ नहीं? क्या? क्या याद नहीं है मुझे? कुछ रित्विक, let me go. पलक, I'm serious. रित्विक, let me go. उस रात तुम, जिस रात तुमने मुझे बचाया था, क्या? विक्रांत बुला रहा है मुझे। ऋत्विक, मुझे विक्रांत बुला रहा है। अरे यार सॉरी, आज बहुत ज्यादा लेट हो गया। वो लास्ट मिनट ऑफिस में वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल आ गया था तो। हाँ वो, अच्छा। वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू। किस चीज में हेल्प? और रोहित और सेतु के बीच आज जो कुछ भी हुआ कैफे में, तुम बात क्यों नहीं करती अपनी फ्रेंड से? मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, इफ दैट्स ओके। तुम्हें सबका कितना ख्याल रहता है ना। मुझे बस तुम्हारा ख्याल रहता है।
और जो लोग तुम्हें मैटर करते हैं वो मुझे भी मैटर करते हैं। एंड वैसे भी आई ग्रू अप विद नो फैमिली, तो जो ये नए रिश्ते दोस्ती बनी है बस इसमें इन्वॉल्व रहना चाहता हूँ। लाओ मैं हेल्प कर देती हूँ। थैंक यू। अगर विक्रांत हमें देख भी लेता तो क्या फर्क था? ये पलक विक्रांत की इतनी परवाह क्यों करती है? और अगर करती है तो उसने मुझे क्यों किस किया? ये हो क्या रहा है?